हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनीता सोलंकी स्वागत करती हूँ आपका अनीता ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग जो है मैं शाम के समय स्टार्ट कर रही हूँ। तो कैसे हैं आप लोग, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सबसे पहले कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट दिया अपना। और जो मेरे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ मेरे वीडियोज़ को देख के स्क्रॉल कर देते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस जो है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज जो है शाम के समय मैं अपना ब्लॉग जैसे कि स्टार्ट कर रही हूँ, तो वही शाम के समय जो भी मेरा डेली रूटीन होता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है खाने बनाने की तैयारी करेंगे। तो आज खाने के अंदर कुछ स्पेशल बनने जा रहा है बच्चों की डिमांड पे, तो वो है आज गुलाब जामुन की सब्ज़ी बनाई जा रही है। तो मुझे तो बिल्कुल कम ही पसंद है और बच्चों की डिमांड जो है उसे पूरा करना पड़ता है। तो आज मैं मेरे गुलाब जामुन की सब्ज़ी की जो रेसिपी है उसको आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो किचन का जो भी काम है उसको कम्प्लीट करेंगे फटाफट। और आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी ये आप कमेंट करके जो है मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की जो है ज़रूरत है। तो आप लोगों को पता ही है यूट्यूब पे अगर ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए जो व्यूवर्स होते हैं उनकी सपोर्ट की जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे वीडियोज़ जो है मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग मुझे अपना सपोर्ट जो है प्लीज़ दीजिए, और अब झटपट से जो है डेली रूटीन का वर्क है उसको मैं स्टार्ट करूँगी। तो आइए फटाफट से बनाते हैं गुलाब जामुन की सब्जी। आ जाइए अभी जो है तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है अब मैं इसके अंदर जो है प्याज, और यहाँ पे मैंने टमाटर और अदरक और मिर्ची इनको कट कर लिया है वॉश करके, और मैं जो है इसके अंदर इसको ऐड करूँगी। तो इनको थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद में मैं इसकी प्योरी बनाऊंगी, और इस प्योरी से जो है इसकी सब्जी। दही ले लिया, दही के अंदर जो है मैं सारे मसाले जो है उनको ऐड करूंगी। तो सबसे पहले नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में धनिया, धनिया की क्वांटिटी में ज़्यादा रखते हैं इससे ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी और थिक होती है। और इसमें मिर्ची अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और हल्दी, और अब इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला जो है किचन किंग मसाला उसको ऐड करूँगी। तो थोड़े से और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद में इनको मैं ग्रेवी के फॉर्म में पीस लूँगी। तब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ। अब ग्रेवी जो बन के रेडी है, तो अब इसके अंदर मैं ये प्यूरी जो है उसको ऐड करूँगी। तो प्यूरी को ज़्यादा पकाने की नीड नहीं है क्योंकि प्याज और टमाटर जो है उनको प्यूरी बनाने से पहले मैंने जो है भून लिया था। अब थोड़ा सा इनको भूनेंगे, उसके बाद मैं दही के अंदर जो मसाला मैंने बनाया हुआ है रेडी किया हुआ है तो उसको मैं ऐड करूँगी। तो मसाला जो है वो पक चुका है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर जो है मैं दही के अंदर जो मैंने सारे मसाले डाल रखे हैं उसको ऐड करूँगी। तब इस मसाले को जो है फटाफट से पका देंगे, और अपनी सब्जी जो है बस ऑलमोस्ट रेडी। ये मार्केट वाले गुलाब जामुन हैं, तो अब मैं इनको जो है इस मसाले के अंदर ऐड करूँगी। तो मसाला जो है ऑलमोस्ट पकने वाला ही है, तो
मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब्जी जो है वो तैयार है और बस फाइनली जो है धनिया से इसको गार्निश करेंगे एंड डन। तो गुलाब जामुन जो है वो सॉफ्ट होने चाहिए सब्जी के लिए। जब सॉफ्ट हो जाते हैं तो दैट मीन सब्जी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को ये तो सब्जी जो है बनके रेडी है, बस इसको धनिया से गार्निश कर देंगे एंड दैट्स ऑल। सब्जी बिल्कुल रेडी है। तो गाइज अभी मैं जो है किचन के अंदर हूँ और आज मैंने आपको मेरी गुलाब जामुन की सब्जी की जो रेसिपी है उसको मैंने शेयर किया। तो आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबका खाना जो है हो गया है, लास्ट के अंदर मैं ही बची हूँ। अब मैं जो है अपनी प्लेट तैयार करूँगी और खाना जो है सबसे पहले खाऊंगी, उसके बाद में मेरे जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं मैं उनको कंप्लीट करूंगी। जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना मोटिवेशन जो है वो दें। तो ये मेरी थाली जो है फ्रेंड्स रेडी। फ्रेंड्स किचन की सफाई जो है वो मैंने पूरी कर ली है, नीट एंड क्लीन जो है वो किचन को कर दिया है। तो गंदा किचन जो है मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। खाना बनाने के बाद उसकी अच्छी से सफाई जो है वो मैं कर देती हूँ। तो किचन तो मैंने क्लीन कर दिया है पूरा। अब इसके बाद में मैं जो है बर्तन जो है रखे हुए हैं बर्तनों को क्लीन करूँगी और उसके बाद में पानी जो है वो आ जाया है तो पानी मैं रात को ही भर लेती हूँ ताकि सुबह जो है मुझे दूसरे काम और कोई प्रॉब्लम ना हो। फटाफट से जो है मैं बर्तनों को क्लीन करूँगी, उसके बाद में पानी जो है उसको भरूँगी। किचन से मैं जो है फ्री हो चुकी हूँ, तब मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो कल मैंने बहुत सारे कपड़े जो है उनको धोए थे, वॉश किए थे, तो अब उन सारे कपड़ों को जो है मुझे आयरन भी करना है और आयरन तो मैं कल करूँगी। आज तो बहुत सारा काम हो गया मेरा, इनको जो है मैं सही करके समेट के जो है अलमीरा के अंदर रख दूँगी। तो आयरन एक बार पहनते हैं और बस फिर उन कपड़ों को वापस वेयर नहीं करते हैं। डेली जो है मशीन नहीं लगाती हूँ ना, क्योंकि पता नहीं कहाँ से इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। ये सारा काम कंप्लीट, उसके बाद में मुझे कुछ स्कूल की ड्रेसेज है बच्चों की, उनको वॉश करना है तो उनके लिए मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, उनको हाथ से ही जो मैं वॉश कर दूंगी। तो पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में वो वाला काम जो है वो भी मुझे करना है। तो कपड़ों का काम जो है फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इनको जो है अलमीरा के अंदर रख दूंगी। तो आज का ऑलमोस्ट सारा काम मेरा कंप्लीट है, बस बच्चों की ड्रेस जो है यूनिफॉर्म जो है उसको। तो आज का ब्लॉग जो है फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें और कमेंट करें कि आपको मेरे वीडियोस जो है वो कैसे लग रहे हैं। बाय।